ज़्यादातर लोग अध्यात्म को दुनिया से भागने का या फिर दायित्व से छूटने का एक नज़रिया देखते हैं, लेकिन हम लोग इस चैनल के माध्यम से ब्रेव वैल्यू एजुकेशन ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है और किस तरीके से बड़े सरल से सरल भाषा में इसको समझा जा सके। समाज में कई सारे प्रचलन हैं कि अध्यात्म समाज को बांटती है, जैसे जातिवाद प्रथा जो है वो समाज को बंटवारा में करती है और लड़ाई झगड़ा कराती है। लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन संस्था के माध्यम से, ये किसी प्रकार के बंटवारे में भरोसा नहीं रखता, किसी प्रकार का बंटवारे का विचारधारा नहीं रखता। आइए देखिए हमारे खुले विचारधारा को। पहली बात, इस्कॉन किसी एक समाज या किसी एक देश या किसी एक जाति तक बिल्कुल सीमित नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हर प्रकार के लोग, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति का हो, सभी को समान रूप से स्वीकृत किया जाता है और ट्रेनिंग का एक प्रोसेस दिया जाता है किस प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पर आ सके। और जब कोई व्यक्ति इसमें सीरियसली जुड़ता है तो फिर एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है और दीक्षा के बाद हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है, चाहे वो पहले शर्मा थे, चाहे ठाकुर थे, चाहे अग्रवाल थे या किसी और कास्ट के थे, दीक्षा के बाद उनका नाम समथिंग समथिंग दास। हर एक भक्त का नाम, इस कौन में किसी भी भक्त के नाम आप देखेंगे, भगवान के नाम के आगे फिर उसके बाद दास। अभी हमारा सरनेम है दास, ये हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण आके इस समाज में दीक्षा लेता है तो उसको कोई अलग से कोई खास प्रिविलेज नहीं मिलता, और ऐसे भी नहीं है यदि कोई शूद्र आज आके इसमें जुड़े तो उनको कुछ कम दिया जाता है, नहीं, हर किसी को समान रूप से स्वीकार किया जाता है और उसके नाम भगवान के नाम के आगे कृष्णदास, क्योंकि हम सब भगवान के दास हैं और भगवान किसी भी जीव में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये पहला जो मिसकंसेप्शन है कि इस्कॉन जातिवाद का प्रचार करता है, बंटवारा करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, बल्कि इस्कॉन पूरे विश्व को एक परिवार बनाता है भगवान को केंद्रित करते हुए, और इसमें ना तो केवल वैदिक सनातन धर्म के लोगों को स्वीकार किया जाता है, यहाँ तक कि विदेश के लोगों को, यहाँ तक कि अलग अलग धर्म के लोगों को भी स्वीकार किया जाता है। आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी भगवान के संतान ही हैं और इस समाज में आके इस विज्ञान को हम सीखते हैं और पालन करने का प्रयास करते हैं। दूसरी गलतफहमी है कि आप लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं, आप लोग तो बैठे बैठे बस हरे कृष्ण हरे रामा करते हैं और समाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए जानेंगे, जो भी भक्त इस्कॉन में जुड़ता है, दीक्षा लेता है, उसके दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हैं। हर भक्त को सुबह जल्दी उठना पड़ता है 3:30 से 4 बजे के बीच में, और उसके बाद 4:30 बजे मंगल आरती में भगवान के सामने आना पड़ता है, भगवान का आरती करनी पड़ती है। चाहे आप मंदिर के निकट रहते हों, चाहे आप अपने घर में रहते हों, ये नियम सभी पर लागू है। और उसके बाद 5 से 7 बजे 2 घंटा भगवान के नामों का माला, 2 घंटे के लिए माला जप करते हैं। जो जॉब गोइंग है वो अपने जॉब की तैयारी करते हैं, जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस की तैयारी करते हैं, और जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वे बाकी दिन के समय जो अलग अलग सेवाएं हैं, जैसे प्रचार के लिए किसी के पास जाना या किताबों का प्रचार करना या मंदिर का देख रेख करना, अलग अलग सेवाएं होती हैं, वो पूरे दिन अपने सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद शाम को स्नान करके फिर से भोजन लिया जाता है, प्रसाद लिया जाता है, और जो मंदिर में रहते हैं वो फिर आरती और कीर्तन अटेंड करते हैं। शाम को क्लास होती है, सुबह और शाम दोनों बार क्लास होती है, सुबह श्रीमद् भागवत पुराण के ऊपर क्लास होती है 1 घंटा और शाम को भगवद गीता के ऊपर 1 घंटे का क्लास होता है, और उसके बाद 9 बजे सो जाते हैं, सभी भक्त लोग सो जाते हैं। तो इस प्रकार से सुबह के 3 बजे से या 3:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भक्त लोग बिजी हैं। किस विषय में बिजी हैं? इस आध्यात्मिक ज्ञान को किस प्रकार समाज तक पहुँचाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन जो है समाज को शोषण कर रहा है या केवल डोनेशंस लेके आराम से बैठे हैं, नहीं,
हम भगवान के कार्य कर रहे हैं, भगवान के वाणी को प्रचार करने का ये सेवा उठा रखे हैं और ये बहुत ही आवश्यक है। पिछले 1.5 साल से हम लोग इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं और ये शिक्षाएं, ये ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम सब आपके बहुत आभारी हैं जो कि आप सब बड़े उत्साह के साथ, खासकर गुरुकुल के विषय में आपने बहुत इंटरेस्ट और बहुत बढ़ चढ़ के देखा है। देवकी नंदन जी आप सब जानते ही होंगे अगर आप देख रहे हैं तो देवकी नंदन जी गुरुकुल के, मायापुर गुरुकुल के छात्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उनके वीडियो में 5 लाख व्यूज़ आए हैं। उसके अलावा और जैसे दामोदर है, उनके वीडियो में 1 लाख व्यूज़ आए हैं। तो आप सबका बहुत इंटरेस्ट है गुरुकुल के लेके, हम प्रयास करेंगे आगे और गुरुकुल के बारे में बता सकें आपको। और इसके अलावा कई सारा फीडबैक या चर्चा हमारे जातिवाद वीडियोस के ऊपर आए हैं। बेसिकली जातिवादी के बारे में नहीं है ये, अलग अलग जैसे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हर समाज में प्राप्त होते हैं। चाहे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम से जाने, चाहे आप बुद्धिजीवी, योद्धा वर्ग, तीसरा है बिजनेस क्लास और चौथा है सर्विस क्लास, इन 4 नामों से जानते हैं। लेकिन ये वही बात है, ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास जो समाज को दिशा दिखाते हैं, क्षत्रिय मतलब जो आर्मी, जैसे आर्मी है या पुलिस है जो समाज की रक्षा करता है, वैश्य का अर्थ है बिजनेस क्लास जो कि अर्थ नैतिक उन्नति कराता है देश का, और कृषि गौरक्षा यानी अनाज, दूध, इन सब चीज़ों को रक्षा करता है, और सर्विस क्लास या शूद्र क्लास जो कि इन सब परिचालनों में साथ देते हैं, लेबर देते हैं, सर्विस देते हैं, इनके बिना संभव नहीं है ये सब। तो आध्यात्म में किसी प्रकार का इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हालांकि ब्राह्मण को थोड़े से रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है, जिस प्रकार से जज साहब को रेस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, इसी प्रकार से पुलिस को भी रेस्पेक्ट मिलता है, तो इस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय को थोड़ा रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनके दायित्व भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनका जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी को डिसरेस्पेक्ट किया जाता है। ये बीच में चाहे पॉलिटिक्स के कारण हो, चाहे कोई और फोर्सेस के कारण हो, इसके बीच में मतभेद बना दिया गया और इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। इस प्रकार का कोई इशू नहीं है, जैसे वीडियो के शुरू में हमने बता दिया आपको, इस्कॉन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सभी को समान भाव से स्वीकार किया जाता है और भगवान की सेवा में एंगेज किया जाता है। तो इस 2021 में हम आपके लिए बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे और हो सकता है 1 या 2 महीने के अंदर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप अपने फेवरेट वीडियो जो हमारे चैनल पर आपको लगा उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आप क्या जानना चाहते हैं, आपके क्या इंटरेस्ट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे वीडियोस बनाएंगे। तो आप सबको धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।